आज दोस्तों एक और फ्रेश ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है भाई मैं जहाँ पर हूँ अभी, ये केसिंगा प्लेटफॉर्म देख सकते हो, ठीक है। और आज का बहुत ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने पार्ट वन बनाया था, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्यार मिला भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट टू में इस वीडियो में पूरी तरह से प्यार दीजिए, ठीक है। तो रिफ्रेश होगा इस वीडियो क्योंकि भाई यहाँ पर जो ऊपर का छत था ना, ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ये पूरा कवर हटाया गया था, जो आगे देख सकते हो दो नंबर प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल भी ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो भाई ये अभी अभी लगभग एक महीना हो गया बनाए हुए, ठीक है। तो आज का ब्लॉग भाई किसिंगा रेलवे स्टेशन पर होगा। बहुत सारा भाई लोग ने मेरे को बहुत कमेंट किया था कि लॉज कहाँ पर है, कैसा फैसिलिटी है, ट्रेन कैसा है, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे यार, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तो भाई आप सभी को शुक्रिया यार, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। लगभग अभी का वक्त है 11, ठीक है। चलो दोस्तों सीधा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ केसिंगा प्लेटफॉर्म से, ठीक है। यहीं पर तो जा सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये ऑटो और बाइक पार्किंग, ठीक है। आगे बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी पार्क नहीं कर सकते, ठीक है, जो बैरिकेड दिया गया है आगे, ठीक है। ये भाई लाइट वगैरह अभी तो नहीं लगेगा, ठीक है, बनाया गया है नए तरीके से। ये ऊपर का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है, और जो बीच का दो नंबर प्लेटफॉर्म ना वो नहीं बनाया गया, अभी धीरे धीरे करके बन गया। लगभग 6 मंथ लगेगा भाई सच में, और यहाँ पर पार्क करने का और आगे जाने का। और हमें मुंबई लोकल लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कुछ पेड़ है भाई, ठीक है, आप रेस्ट वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और स्टेशन को पूरा साइड में आप देख सकते हो SBI का ATM है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर पैसा आप निकालना चाहते हो तो। और देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है टिकट बुकिंग ऑफिस, ओके। ये ATM, ये है एंट्री गेट देख सकते हो, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर। वेलकम टू इंडियन रेलवे किसिंगा रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। सेकंड क्लास वेटिंग हॉल आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर तो लोग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक डॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। आप भी रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोगों में बताता हूँ, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है भाई, ओके। और आप देख सकते हो आगे ये बनाया जा रहा है भाई, लगभग 6 महीना 1 साल तो लगेगा पूरा स्टेशन कंप्लीट होने में, ठीक है। जब बन जाएगा ना थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो जितना भी ये ग्रीन कलर का दिया गया है ना साइड में, ये सब बन रहा है भाई, ओके। और ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसे भी बनता है भाई, ठीक है। इसको पेंट करने के बाद, सिल्वर कलर पेंट करने के बाद ऐसा दिखता है, नहीं तो आगे देख सकते हो भाई इसका क्या हालत हो रहा है। तो चलो हम उस तरफ जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर जाएंगे, आई थिंक ये 3 नंबर है, ऊपर से जाना पड़ेगा, ओके। दोस्तों एक मालगाड़ी गुजरता हुआ देख सकते हो, ये क्या चीज़ है लेके जा रहे हैं, ये कोयला। कोयला तो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है, लेकिन इसका पाउडर, आई थिंक ये पाउडर है भाई, इसको जलाकर जो कि ईंधन में यूज किया जाता है, ठीक है। पहले ज़माने में छोड़ो यार, 2007-08 में कोयला में चलता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं होगा ना, वहाँ पर डीजल गाड़ी होता है, ठीक है। और ये भाई पूरी तरह से टॉप पर आ चुका हूँ मैं, ओके। और साइड में दिया गया है सेफ्टी के लिए, यात्रीगण आप सुनिश्चित रहिए आपको कुछ नहीं होगा। और ये रहा भाई ट्रेन लाइन,
ठीक है, दो पटरी आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 25,000 वोल्ट्स खतरा है, बहुत खतरा है। ठीक है, किस लिए आपको मालूम होगा भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये करंट की बात हो रहा है। ठीक है, चलो, बहुत ही खूबसूरत सा किसिंगा रेलवे स्टेशन, इतना तो लोग आज नहीं है। ओके, सुबह देख सकते हो यार, इस खतरे के लिए ही यहाँ पर दिया गया है साइड में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसी, ये भी कंप्लीट है, ये अभी संबलपुर और ये ट्रेन आने वाला है भाई। ठीक है, देख सकते हो भाई, सामने से ना छोटा सा जंगल है, देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है यार, खासकर बारिश के दिन बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो भाई। चलो, संबलपुर जूनागढ़ रोड जस्ट अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, आगे जहाँ पर निकला हूँ वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है भाई। सो भाई, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा क्लीन है। ठीक है, बहुत ही गंदा रहता है बाकी स्टेशन को मैं देखा हूँ। नहीं यार, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। ठीक है, मेरा गलत है, आगे 3 नंबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, ये प्लेटफॉर्म से आप देखते हो ना तो टिकट काउंटर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आगे भी रोड है, इस वजह से यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ओके, बहुत लोगों ने वेट किया है भाई जाने के लिए। ठीक है, चलो, और यहाँ पर मालगाड़ी रुका हुआ है, मालगाड़ी बहुत टाइम रुकता है यार, क्योंकि आगे अगर होगा कोई ट्रेन आता होगा तो रुकता। ठीक है, और ये देख सकते हो आगे ना, ये बिल्कुल भी, इसका छत बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अभी इसको बनाया गया है और आगे भी बन रहा है भाई। ओके, देख लो दोस्तों, बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि ये बनेगा यार, जब बनेगा तो खूबसूरती लगेगा भाई। सिर्फ 2 लाइन है भाई, किसिंगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है भाई ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, तब से बिल्कुल भी इसका मरम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। ओके, यहाँ पर पानी पीने के लिए और बैठने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, आगे ड्रेनिंग सिस्टम भी है भाई, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि बढ़त हो गया है रेलवे जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है ना। ठीक है, बजट में भी इसका जिक्र किया गया है कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। ओके, और ये छूट रहा है भाई, जा रहा है ये मालगाड़ी। ठीक है, और ये पूरी तरह से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 3 का। ठीक है, ये बनेगा भाई, धीरे धीरे बनेगा। ओके, किसिंगा भाई, इस बोर्ड को देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारा किसिंगा प्लेटफॉर्म, किसिंगा ये है ना, ये जंक्शन नहीं है भाई, जो कि जंक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम रुकता है, 3 मिनट से 5 मिनट तक रुकता है भाई, यहाँ पर 1 मिनट से 2 मिनट लास्ट एंडिंग में। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रुकता। ठीक है, और यहाँ पर करंट का सप्लाई होगा भाई, इसको क्लोज किया गया है, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए बनाना चाहिए भाई, किसी का हाथ या पैर लग जाएगा ना तो 25,000 वोल्ट यहीं से ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी देख सकते हो दोस्तों, ये पार्किंग एरिया, पार्किंग जोन है। ठीक है, आगे 2 व्हीलर भी है और आगे 2 व्हीलर पार्क कर सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है भाई। ओके, और देख सकते हो भाई, आपको बताया था पहले भी वीडियो में, ठीक है, पहले पार्ट में, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है यार इस जंगल की वजह से। ठीक है, धूप के महीने में पूरी तरह से एक भी पेड़ नहीं रहता, लेकिन अभी बारिश का महीने है, इस वजह से भाई बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ओके, और जो ट्रेन संबलपुर जाने वाला है ना, संबलपुर से आ रहा है आई थिंक, ठीक है, वो आ गया है, मालगाड़ी उस तरफ है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो, थोड़ा सा आज का ब्लॉग शॉर्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्योंकि काम है भाई, इस वजह से ही मैं रुक के रिटर्न जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो और आके बनाऊंगा। ओके, देख सकते हो, थोड़ा सा क्लीन करो यार,
हमारे स्टेशन है भाई कलाहांडी का एक लोतासा वाला, मणिपटना है लेकिन दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है और ठीक है वहाँ पर जाने आना बहुत कम ट्रेन आता है, एक ही ट्रेन आता है और एक ट्रेन जाता है ठीक है। और यहाँ पर पान का दुकान भी है भाई, चाय वगैरह मिल जाएगा। और मेरा गाड़ी पूरी तरह से रेडी है मेरे को लेने के लिए, तो चलो भाई अगर टाइम मिलेगा ना तो लंबा हो जाएगा ब्लॉग, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो यहाँ तक ही होगा ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। सो भाई मैं चाहता था कि थोड़ा सा और स्पेशल तरीके से बनाओ ब्लॉग, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे, एक मिनट में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा बनाया यार, जितना भी हो सकेगा मतलब कि प्यार दीजिए मेरे को ठीक है। और आज का लगभग 7 से ऊपर हो गया है टाइम, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अभी एडिटिंग करूंगा उसके बाद पब्लिश करूंगा भाई। थोड़ा सा प्यार दिखाइए यार, इतना प्यार दिखाइए कि आप मतलब कि 5-7 दिन में 1000 तक पूरा कर दीजिए भाई। आज के लिए इतना ही, ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।